ऐश्वर्या राय अपने कांस के आउटफिट के लिए हुई पूरी तरह ट्रोल। जी हाँ, ऐश्वर्या ने जो डे टू पर आउटफिट पहना था, अपेरेंटली नेटिजंस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और उसमें से एक ट्रोल ने तो ये भी कहा है कि उनका क्रिसमस ट्री ऐश्वर्या के आउटफिट से बेटर डेकोरेटेड है। ऐश्वर्या ने कांस के डे टू पर पहना था एक सिल्वर और ब्लू कॉन्फेटी गाउन, जो कि नेटिजंस के साथ काफ़ी खास नहीं जमा। वेल, आपको बता देते हैं कि कुछ नेटिजंस ने ये भी कहा है कि उनको अपना स्टाइलिश चेंज कर देना चाहिए, शी लुक्स हॉरिबल। ऑल्सो ये गाउन जो है फाल्गुनी और शेन पीकॉक से जो है डिज़ाइन करवाया गया है। ट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा मासिव हो चुकी है और कुछ यूजर्स ने तो ये भी कमेंट किया कि ऐश्वर्या के इन-लॉ से ज़्यादा उसका हेयर स्टाइलिस्ट उसे ज़्यादा हेट करता है। इतना ही नहीं, कुछ ने तो ये भी कहा कि ऐश्वर्या जो है इन शूट्स के लिए कैसे रेडी हो गई। इनफैक्ट एक यूज़र ने तो उनकी ड्रेस का भी बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि साइड हट जाओ, दिवाली पर पटाखे और लड़ियाँ आ रही हैं। एक यूज़र ने तो ये भी हंसते हंसते कमेंट करा कि क्या ऐश्वर्या को कोई गन पॉइंट पर रख कर ये ड्रेस पहना रहा था। और दूसरे ने तो ये भी कह दिया कि सलमान खान के फॉलोआउट के बाद से कोई बड़ी बात नहीं है कि करिश्मा और सलमान की ये स्कीम हो कि ऐश्वर्या को ऐसी वर्स्ट ड्रेस में जो है देखा जाए। एक यूज़र ने तो लिटरली फाल्गुनी शेन पीकॉक इंडिया को टैग करके बोला कि व्हाट्स रॉन्ग विद देम, ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या एक जगमग ग्लिटर पेपर लग रही हैं। एंड ऑल नेटिजंस को ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा है कि ये ड्रेस बिल्कुल पॉम ड्रेस लग रही है जो कि चीयर लीडिंग के लिए यूज़ होती है, एंड साथ ही साथ ऐश्वर्या के हेयर स्टाइलिस्ट को फायर कर देना चाहिए। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है, कि आपको ये लुक अच्छा लगा ये और नहीं।